हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, चाहे आईआईटी जैम या फिर सीयूईटी, उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा पॉज लेके कुछ एक मिनट का आप ट्राई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है तो। अगर आप पढ़ना स्टार्ट भी किए तब भी आप कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स नहीं यूज होने वाले, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, कोशेंट ग्रुप या होमोमॉर्फिज्म, बेसिक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। साइक्लिक ग्रुप से पूछा गया है, आइसोमॉर्फिज्म भी यूज होगा। तो आप पॉज लेके ट्राई कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को, एंड देन हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया था। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ U49 इज, U49 आप ग्रुप जानते हैं, यूएन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ ZN, राइट। तो U49 में क्या होगा, ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ Z49, राइट। Z49 में जो यूनिट्स होते हैं यहाँ पर, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उनको हम इसमें रखते हैं, राइट। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, पर उससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए यूएन जो होता है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है, और हर एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप या फिर ZN के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ZN के आइसोमॉर्फिक होता है। तो चाहे आप बोलिए कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ZN के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है किसी भी यूएन को, तो U49 को भी लिखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट U49 के सब ग्रुप निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो इसको ZN में लेके जाते हैं। ZN में लेके जाने के बाद शायद कुछ आसान बन जाएगा, क्योंकि हम ZN में हर एक ग्रुप के सब ग्रुप जानते हैं। ZN में कितने सब ग्रुप्स होते हैं, ऑल ऑफ दिस, राइट, कि टाउ एन होते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ एन के बराबर, बस वही हमें यूज करना है। लेट मी डाइज दिस रिजल्ट। देखिए UP^n जो होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z^(n) माइनस P^(n-1), इसके आइसोमॉर्फिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एनी प्राइम पी कॉमन, लेट मी से पी नॉट इक्वल्स टू 2 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये आप रिजल्ट नोट कर सकते हैं। UP^n जो होता है वो Z^(n) माइनस P^(n-1) के आइसोमॉर्फिक होता है। इसका यूज अगर करेंगे तो U49 किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, U49 इज आइसोमॉर्फिक टू, पहले तो U49 आप देखिए कि पी स्क्वायर है, 49 इज 7^7 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो गया, पी आपका कितना हो गया 7। नाउ दिस इज आइसोमॉर्फिक टू विद दिस रिजल्ट Z^(7^2 माइनस (7^2-1), तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z^(49-7), 49-7 इज 42। अब जितने सब ग्रुप्स U49 के होंगे उतने ही U Z42 के, या फिर ऐसे बोलिए जितने Z42 के सब ग्रुप्स होंगे उतने ही U49 के पास होंगे, और इसके पास हमें पता है कि कितने सब ग्रुप्स होते हैं, नहीं पता है तो उसके लिए भी आप रिजल्ट नोट कर सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ZN, नंबर ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए वैसे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ZN इज इक्वल्स टू टाउ एन, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n, हर एक डिविजर के ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप होता है, इसको आप यूज कर लेंगे। तो Z42 के पास कितने सब ग्रुप्स आएंगे, tau 42, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 42। अभी आप ऐसे भी निकाल सकते हो 42 को कितने नंबर्स डिवाइड करेंगे, डिविजर्स काउंट कर लीजिए हर एक डिविजन निकाल के, या फॉर्मूला है इसको निकालने का वो यूज कर सकते हो। क्या करना है आपको, जो भी जिस भी n के नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं उस n के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 42 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 × 6 आफ्टर लेट मी से 2 × 3 × 7, एम आई राइट आर नॉट, 2^1, 3^1 इंटू 7^1, तो ये कितना हो गया, 2^1, 3^1 इंटू 7^1। अब जो भी प्राइम की पावर्स आई हैं उनमें एक एक ऐड करके सबका मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। तो दिस इज 1+1 मल्टीप्लीकेशन विद 1+1 मल्टीप्लीकेशन विद 1+1, आई होप दिस इज विजिबल, राइट, ओके। सो 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 3 = 2, 2 × 4 = 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। मतलब टोटल कितने सब ग्रुप्स होंगे Z42 के पास, 8, तो 8 ही सब ग्रुप्स आपके पास U49 के पास भी हो जाएंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट होगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने डी ही करेक्ट किया था, नहीं किया था, क्या आपको सीखने को मिला या फिर नहीं मिला, और अगर सही आंसर किया था तो वो भी बताइए।
दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप से करते रहिए, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप IFS का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी PYQs है वो सब एक जगह पे अवेलेबल है। अभी तक जितने भी CUET के एग्जाम हुए हैं, इवन IIT JEE के भी है, तो जो लोग CUET के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक अच्छा सजेशन ये हो सकता है कि आप IIT JEE के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप IIT JEE के सॉल्व कर लेते हो तो CUET आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो IFS ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से PYQ आप एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, मॉक टेस्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेपर का एनालिसिस अवेलेबल है, फ्री प्राइम क्लासेस होते रहते हैं, एग्जाम सिलेबस पूरा अवेलेबल है, एग्जाम से रिलेटेड लगभग सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का कट ऑफ एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो IFS ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ में वो सारी चीजें जो ऐप पे अवेलेबल है वो IFSonline.com पर भी अवेलेबल है, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।